तो हेलो गाइस, सेंग्रीला फ्रंटियर एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोग किसी को घूर रहे होते हैं और वो बंदा मेटल के ड्रेस में एक वॉरियर होता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कैरेक्टर रे का होता है। रे कह रही होती है, मुझे लगा था कि हिजू यहाँ पे पहुंच चुका होगा, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे आने का है, पर जान दो मैं तब तक उसका इंतजार करती हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रे अपने घर में बैठ के इस गेम को खेल रही होती है और तभी वो उठ जाती है और कहती है, मुझे लगा था मैं हिजू से मिल पाऊंगी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस डीमन को देखते हैं जहाँ पे सनराकू उस पे अटैक कर देता है और वही वो डीमन भी सनराकू पे अटैक कर देता है, लेकिन सनराकू उसके उस अटैक से बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वही वो डीमन सनराकू पे अटैक कर देता है, लेकिन सनराकू उसके हर अटैक से बच रहा होता है। अब आगे हम देखते हैं कि सनराकू उसके सामने खड़ा होता है, ये देख के वो डीमन उसपे सामने से हमला कर देता है, लेकिन सनराकू उसे अपने नाइफ से रोक देता है। फिर वो उससे दूर होके सोचता है, मैं तो इसे ऐसे नहीं हरा पाऊंगा, मुझे इस पे कैसे ना कैसे करके वार करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो उस डीमन पे अटैक कर देता है। फिर वो उस डीमन के अटैक से बच के अपना नाइफ उसके पेट में डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका नाइफ टूट जाता है। ये देख के सनराकू सोचता है, ये क्या हुआ, इससे तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, लगता है इसकी चमड़ी बहुत मोटी है, तो मुझे वो वाले नाइफ्स को यूज करना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं कि सनराकू उन रेड वाले नाइफ्स को निकाल लेता है और उस डीमन पे अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है, लेकिन तभी वो डीमन अपनी पूंछ को सामने कर लेता है और उसके अंदर से जहर को छोड़ता है, जिससे कि सनराकू दूर जाके गिरता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि सनराकू की बॉडी उस जहर को ऑब्जर्व कर लेती है और फिर उसे मैसेज आता है कि हर 10 सेकंड में सनराकू की एक एक एचपी जाते रहेंगी। जिसे देख के सनराकू सोचता है, अभी मेरे पास समय बहुत ही कम है, मुझे जल्दी से जल्दी इसे खत्म करना पड़ेगा। और अब वो दोनों अपनी पूरी ताकत से इस लड़ाई को शुरू कर देते हैं। वही सनराकू उसका वीक पॉइंट ढूंढ रहा होता है और तभी वो उसके चेहरे पे अटैक करता है, लेकिन उससे उसे कुछ नहीं होता। अब इसके बाद सनराकू उस डीमन के पेट के पास जाके वहाँ पे अपना चाकू घुसा देता है, जिससे कि वहाँ पे एक कट आ जाता है और उस डीमन को बहुत ही ज्यादा पेन महसूस होता है। फिर सनराकू एक एक करके उस जगह पे वार करने लगता है और वही वो डीमन दर्द के मारे तड़प रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन सनराकू को अपने टेल से मार के दूर फेंक देता है, तो वही सनराकू नोटिस करता है वो डीमन का जो घाव होता है वो भर चुका होता है। वही फिर सनराकू सोचता है, लगता है मुझे अभी इसके चेहरे पे वार करना पड़ेगा, और फिर वो जानबूझ के उसके मुंह के अंदर चले जाता है। फिर सनराकू उसके मुंह से बाहर निकल के उसकी चोटी को पकड़ लेता है और अपना एक चाकू उसके आग के अंदर घुसा देता है, तो इसी के साथ वो डीमन यहाँ पे मारा जाता है और सनराकू की जो लेवल होती है वो अप हो जाती है, जिसे देख के सनराकू बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद सनराकू को उस डीमन की तरफ से दो चीजें मिली होती है। अब आगे सनराकू उन सारी चीजों को जमा कर लेता है और शहर की ओर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी एचपी और भी कम हो रही होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं, तो तभी वो लड़की कहती है, यामामोटो तुम्हारे साथ इस गेम में मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वही फिर यामामोटो उस लड़की को समझाता है, देखो हमें इस गेम में हमारे कैरेक्टर नेम्स मिलते हैं, तो तुम्हें उस नाम से हमें बुलाना चाहिए। तो वो लड़के कहती है, रेजी यही है ना तुम्हारा नाम। उस लड़की के मुंह से अपना नाम सुन के यामामोटो को बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सनराकू वहाँ पे भागते हुए आ रहा होता है, ये देख के वो लड़की उसे मारने के लिए अपना तीर निकाल लेती है, तो वही रेजी उसे समझाता है, देखो उस कैरेक्टर के ऊपर उसका नाम है, तो तुम उसे नहीं मार सकती, अगर तुमने उसे मारा तो तुम कैरेक्टर क्लियर के नाम से जानी जाओगी। वही रेजी की ये बात सुन के वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद रेजी सनराकू को देख के सोचता है, लगता है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो सनराकू को कहता है, देखो जल्दी से जल्दी तुम उस बिल्डिंग में भागते हुए जाओ और जैसे ही तुम वहाँ पे पहुँचोगे तुम्हें बेड के ऊपर सो जाना है। रेजी की ये बात सुनके सनराकू जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और वही एक लेडी को अपना रूम का नंबर पूछता है। फिर वो भागते हुए अपने रूम के अंदर जाके बेड के ऊपर सो जाता है, जिससे कि उसकी एचपी वहीं पे ही रुक जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि हिजू उठ चुका होता है और वही वो कहता है, आखिरकार मैंने अपने पहले मिशन को पार कर दिया। और हाँ,
उन दोनों ने मेरी बहुत ही मदद की है, तो जाके मुझे उनको थैंक यू कहना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिजू वापस से उस गेम के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। वही जब वो उस गेम के अंदर पहुंचता है तो वो उस जगह में घूम रहा होता है, बट वही लोग उसके कपड़े देख के उसे बुरा भला कह रहे होते हैं। तो वही उन लोगों की ये बातें सुन के हिजू अपने लिए कपड़े लेने को चले जाता है। हम देखते कि सनराकू अपने लिए अच्छे से कपड़े चूज कर रहा होता है। वही वो शॉप ओनर देख रहा होता है कि हिजू के पास अच्छे से हथियार नहीं है, तो वो उसे कई सारे हथियार दिखाता है और फिर वो उससे कहता है एक जगह है जहाँ पे बहुत ही अच्छे क्रिस्टल मिलते हैं और उससे तुम बहुत ही बढ़िया तरीके के हथियार बना सकते हो। अगर तुम्हें वहाँ पे जाना है तो मैं तुम्हें उस जगह का मैप देता हूँ, तुम वहाँ से जाके उन्हें ला दो और फिर मैं तुम्हारे लिए हथियार बना दूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिजू क्रिस्टल्स को ढूंढने के लिए वहाँ पे खुदाई कर रहा होता है, लेकिन उसे ज्यादा क्रिस्टल्स नहीं मिले होते हैं। जिसके बाद सनराकू इतनी कड़ी धूप में वहाँ पे खुदाई कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पे एक बड़ा सा मेंढक आता है। फिर हम देखते हैं कि वो मेंढक वहाँ पे खेलने लगता है, जिस वजह से सनराकू के ऊपर बहुत ही ज्यादा कीचड़ उड़ता है और इससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो मेंढक खेलते खेलते वहाँ पे पलट जाता है। ये देख के सनराकू उसके पास जाता है और अपने हथियार से उसे मार देता है। फिर सनराकू को मेंढक की स्किन मिल जाती है और वो उसे अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो फिर से काम करने के लिए चले जाता है। अब आगे से शिफ्ट होता है और सनराकू ने उस शॉप ओनर को कई सारे स्टोन्स लाके दिया होता है, तो वही वो शॉप ओनर एक स्टोन को देख के कहता है ये तो बहुत कीमती स्टोन है और इससे हम बहुत ही बढ़िया हथियार बना सकते हैं, तो तुम जल्दी से एक हथियार को चूज कर लो और मैं तुम्हें वो इससे बना के दूंगा। अब इसके बाद सनराकू एक बढ़िया से हथियार को चूज कर लेता है, फिर वो उस टाउन में घूमने लगता है, जिसके बाद वो कुछ मैप्स को बाय कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो वापस से शॉप में आता है और शॉपकीपर ने उसके दोनों हथियारों को बना के दे दिया होता है। तो फिर वो शॉप ओनर कहता है देखो तुम इन हथियारों को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, तो अभी तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जैसे ही इस टाउन के बाहर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे कई सारे डीमंस दिखाई देंगे, तो तुम डट के उनका सामना करना, ठीक है। फिर सनराकू उस शॉप के बाहर आ जाता है और उन हथियारों को लेके वो बहुत ही खुश होता है। इसके बाद सिन वापस से उसी ब्रिज पे जाता है और हम देखते हैं कि रे उस डीमन का सामना करने जा रही होती है। फिर रे जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तो वो अपनी स्किल्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे कि वो उस डीमन को एक ही बारी में खत्म कर देती है। फिर रे सोचती है ये डीमन तो कितना कमजोर था, हिजू तो मैंने तो इसे एक ही बार में खत्म कर दिया होगा। फिर इसके बाद सिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सनराकू कुछ गोब्लिन्स के साथ लड़ रहा होता है और वो गोब्लिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि वो सनराकू को बहुत ही तगड़ी टक्कर दे रहा होता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो गोब्लिन वहाँ पे अपने कई सारे साथियों को बुला लेता है, जिसके बाद वो सारे गोब्लिन्स सनराकू पे अटैक कर देते हैं, मगर तभी किसी की दहाड़ से वो सारे गोब्लिन्स मारे जाते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है एक बड़े से वुल्फ की, जिसे देख के सनराकू बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो वुल्फ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।